नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल में चल रहे शब्द युद्ध का नया राउंड आपको दिखाएंगे। हुगली में 22 फरवरी को पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर वार किए थे, आज ममता बनर्जी ने चुन चुन कर जवाब दिए। ममता की मोदी रोको डिक्शनरी में कई शब्द थे, जैसे दानव बंधु, डुगडुगी, मोदी बंगाल शासन, कॉर्बेना, दंगाबाज, कैट मनी और रैट मनी। दीदी वर्सेस मोदी वाली इस लड़ाई को डिकोड करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुई राहुल गांधी की ये तस्वीरें उनकी राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष भी कर रही हैं। आजकल राहुल गांधी के जाल में वोट और तारीफ नहीं बल्कि मुसीबतों की मछलियां फंस रही हैं। राहुल ने कहा कि वो उत्तर भारत के सांसद थे और वहां उन्हें एक खास तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। ऐसे में केरल उनके लिए ताजगी भरा था क्योंकि यहां के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल पर चारों दिशाओं से अटैक कर दिया और वो कांग्रेस के अंदर भी घिर गए। इसका विश्लेषण करेंगे। आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नमो फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम की सुख सुविधाओं और खासियतों के साथ साथ इसके नाम पर हो रही राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, अगर भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। आज आपको भारत की नामकरण पॉलिटिक्स का पूरा रिवीजन करवाएंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला हुआ है। 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। आपको बता दें कि देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों को की उम्र 60 साल से ऊपर है और भारत में 1 करोड़ 19 लाख डोज लोगों को लग चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। अब 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल की चुनावी आग और धधक चुकी है। ममता बनर्जी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा आज हुगली में साफ दिख रहा था। उन्होंने बीजेपी के हमलों का चुन चुन कर जवाब दिया। पीएम ने 2 दिन पहले टीएमसी को तोलाबाजों की पार्टी कहा था, आज ममता बनर्जी ने तोलाबाज शब्द का जवाब दंगाबाज से दिया। पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट राज की बात की थी, कट मनी, कट कल्चर की बात की थी। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कैट मनी और रैट मनी जैसे शब्द निकाले। पीएम ने कहा कि मां माटी मानुष की बातें करने वाले अब विकास के सामने दीवार बन गए हैं। ममता बनर्जी ने आज हुगली में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री ने बंगाल को क्या दिया, सिर्फ डुगडुगी दी। पीएम ने बंगाल में तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की थी। ममता बनर्जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। उन्होंने दानव बंधु, चिल्लर रावण, दानव, न जाने कैसे कैसे शब्द कहे। ये बंगाल की सबसे बड़ी टक्कर है जिसका पहला राउंड ही पूरा हुआ है। दीदी वर्सेस मोदी का फर्स्ट राउंड कैसा रहा ये हम आपको बताते हैं। खेला तो होवे ही रे, खेला तो होवे ही, एवं यही खेला देखे ही बीजेपी के ठीक करते होवे। आगामी दिन देशे थाकबे कि थाकबे ना, बांग्लায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এ দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে। চলতি মাই জোরসে বলে তাই বলে এই নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খচরা বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। दीदी ने हुगली के उसी मैदान से बीजेपी को चैलेंज किया जिस मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी गरजे थे और टीएमसी के तोलाबाजों की बात की। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। কোথায় কোথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ, আর আপনি কি, আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ, আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে। 2 দিন সে দিদি গুসসে সে ভরি থি।
आज उसी हुगली में गुस्सा निकाल दिया जिस हुगली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट का राज बताया था, कट मनी कल्चर की बात की थी। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। हुगली के डनलॉप मैदान में जहां पे दो दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सभा किया, वहीं पे ममता बैनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। फिल्म स्टार्स से लेके क्रिकेटर्स ने आज उनका हाथ धोरा और उन्होंने यहां से नरेंद्र मोदी को अटैक करके कहा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हुगली में एक के बाद एक दीदी के तीर चल रहे थे। पूरी स्पीच में पीएम की उन बातों पर पलटवार था जिसमें पीएम ने बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार से विकास रुकने की बात की थी। मां माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। जिज्ञेस करूं की करे छो कन्याश्री के करे छे अपनारा उत्तर देवें, कन्याश्री के करे छे? और मोदी बाबू की दिए छे डुकडुकी डुकडुकी